नमस्ते, सुख संपत्ति घर आवे में आपका स्वागत है। भारतीय दर्शन और ज्योतिष के हिसाब से महत्वपूर्ण भाद्रपद या भादो मास शुरू हो गया है। हिंदू पंचांग का ये छठवां महीना होता है और चतुर्मास का ये दूसरा महीना है। हिंदू धर्म में इस माह का बहुत महत्व है। इस महीने में दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। भादो महीने के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। भादो में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधा जन्मोत्सव जैसे बड़े पर्व आते हैं। भादो में क्या कहते हैं आपके सितारे, इस समय आप क्या करें और क्या ना करें, ये हम जानेंगे सुख संपत्ति घर आवे में। कई बार लोग भाद्रपद मास का महत्व पूछते हैं, पहले ये समझें कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से इस महीने का महत्व जानते हैं। एक समय की बात है जब नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते करते तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे थे और जब ऋषि के बहुत आग्रह करने के बाद नारद जी ने इस महीने का महत्व बताया। प्राचीन काल की बात है कि एक दंपत्ति संबल और सुमति को दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। सुयोग से भाद्रपद मास आने पर नगर के कई स्त्री पुरुष भादव स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। तभी संबल की पत्नी सुमति ने भाद्रपद मास का स्नान करने के लिए अपने मन में निश्चय किया, परंतु उनका पति बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान कर लिया, लेकिन दूसरे ही दिन संबल को तीव्र बुखार आ गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास का वह स्नान नहीं कर पाया। अंततः संबल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की कई यातनाएं भोगकर अगले जन्म में उसे कुत्ते की योनि मिली। तब इस कुत्ते की योनि में भी वह भूख और प्यास से बहुत दुर्बल हो गया। कुछ ही समय में वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से भोजन का टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर बहते हुए पवित्र जल में जा गिरा। संयोगवश उस समय भाद्रपद मास चल रहा था, शुक्ल पक्ष था। टुकड़ा पाने के लालच में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी समय भगवान के गण अपना दिव्य विमान लेकर उसे वैकुंठ धाम ले गए। तब उसने पूछा कि मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, फिर मुझे कैसे वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया? मैं तो अधर्मी और पापी रहा हूँ, अगर मुझे वैकुंठ लोक मिल गया तो इसके कारण बताएं मुझे। तब उसे बताया गया कि अज्ञानता वसी सही तुमने भादो मास में स्नान करके अपने प्राण त्यागे हैं और इस पुण्य के प्रताप से तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। इस कथा के बाद नारद जी ने कहा कि जब अज्ञानता में भी स्नान करने का फल इस प्रकार उसे प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से अगर कोई स्नान और दान करता है तो उसे कितना पुण्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि भादो मास आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। भादो मास में अनेक लोक व्यवहार के कार्य निषेध माने जाते हैं। यह मास शून्य मास भी कहा जाता है। इस मास में नए घर का निर्माण, विवाह, सगाई, मांगलिक कार्य शुभ नहीं माने जाते। इसलिए इस मास को भक्ति, स्नान, दान के लिए उत्तम माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भादो मास में दही का सेवन निषेध है। इस मास में स्नान, दान, व्रत करने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म इसी मास में हुआ था। इसी महीने के रोहिणी नक्षत्र के वृष लग्न में कृष्ण ने जन्म लिया था। शास्त्रों में भाद्र मास को कल्याणकारी और भद्र परिणाम देने वाला बताया गया है। यह महीना विशेष रूप से व्रत, उपवास, नियम, निष्ठा पालन करवाता है। इस मास में आने वाले दिनों में सात राशियों पर धन वर्षा होगी। उनका भाग्य सूरज की तरह चमकेगा। ग्रह नक्षत्रों का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण जातक को सफलता और धन लाभ के योग बनते हैं। ग्रहों के शुभ स्थान पर होने से कुछ राशि वालों के लिए भादों यानी अंग्रेजी महीने के सितंबर के पहले दिन बहुत उम्मीद लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वृष राशि की। इस दौरान वृष राशि के कार्यों के प्रति उत्साह बना रहेगा, परंतु बातचीत में संतुलन रखना होगा। ऐसा करने से माता का सहयोग मिलेगा। माँ यानी माता
समान स्त्री से धन प्राप्ति के भी योग हैं। बाहर से किसी मित्र का भी आगमन हो सकता है। अपने बौद्धिक कार्यों से धनार्जन होगा और परिवार के संग किसी धार्मिक यात्रा पर जाना हो, इसके बाद आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये समय आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, निवेश के लाभ प्राप्त होने की संभावना है। देन लेन के लिए शुभ माना जाएगा। आप जिसके साथ रहेंगे ये समय उन्हें उच्च पदों तक पहुंचाकर उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। इस दौरान परिश्रम की अधिकता रहेगी, इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए ये महीना घर में मंगल लेकर आएगा। कुछ मांगलिक कार्य के योग आपके घर में बन रहे हैं। आपके कारोबार के विस्तार की योजना फलीभूत होगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिश्रम की अधिकता रहेगी। नौकरी में परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। वहीं जो लोग आयात निर्यात का कारोबार करते हैं उनके लिए ये महीना लाभ का साबित होगा। माता के सहयोग से वाहन सुखों में भी बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वालों के लिए ये महीना आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा, लेकिन आत्मसंयम रखना होगा। आपकी माता जी के पुण्य कर्मों और उनके सहयोग से आपके लाभ में वृद्धि होगी। घर परिवार की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। इस दौरान किया गया निवेश आपको बड़ा लाभ देगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये दिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। अध्ययन में रुचि रहेगी, धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर बनेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत होगा। माता लक्ष्मी की आराधना आपकी समस्याओं का समाधान कर धन लाभ के योग बना रही है। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना हो सकता है। पुराने मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर बनेंगे और जो आपको धन लाभ कराएंगे। इस समय आपकी इच्छा विरुद्ध कार्य क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है। वस्त्र और आभूषण उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये समय प्रसन्नता से भरा रहेगा। काम के सिलसिले में किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। अवसरों और परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। इस दौरान बहुत समय से रुके हुए जो काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। भवन और नया वाहन लेने का जो कार्य पूरा नहीं हो रहा था उसके पूरे होने के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं हम भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के, कि आखिर श्री कृष्ण के जन्म से लेकर क्या महत्व रखता है भाद्रपद का ये महीना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भादों के महीने में रोहिणी नक्षत्र के वृष लग्न में जन्म लिया था, इसलिए भादो माह भी सावन की तरह पवित्र माना जाता है। इस महीने में कुछ विशेष पर्व पड़ते हैं जिनका अपना अलग महत्व है। जिस प्रकार से सावन का महीना भगवान भोले शंकर की उपासना के लिए महत्व रखता है, उसी तरह भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण की उपासना यानी नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण भादो मास में आप क्या करें, इस पर चर्चा जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे श्री कृष्ण और भादो मास की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हुआ। इस बार अष्टमी 30 अगस्त को है। जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा और इस बार ये 13 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए त्यौहार बेहद खास है। लोग इस दिन व्रत करते हैं। रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मनाने होने के बाद पूजा करते हैं, तब व्रत खोलते हैं। भगवान कृष्ण ने मथुरा नगरी में कृष्ण के कारागार में देवकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था।
जन्माष्टमी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। ये व्रत एक निश्चित अवधि में तोड़ा जाता है। अमूमन जन्माष्टमी व्रत अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद तोड़ने का नियम है। यदि सूर्योदय के बाद इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त सूर्यास्त से पहले समाप्त नहीं होता तो व्रत सूर्यास्त के बाद तोड़ा जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मुहूर्त पहले समाप्त हो जाए तो उस समय के बाद जन्माष्टमी का व्रत पारण किया जा सकता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले से हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें, फिर आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, फिर सभी देवताओं को प्रणाम करने के बाद संकल्प लें। इसके बाद माता देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और माता लक्ष्मी का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। इस व्रत का पूजन रात 12 बजे के करीब किया जाता है। भादो मास की बात करें तो भादो मास में मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस महीने में किसी भी दिन अगर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाता है तो वो अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों को संतान नहीं हुई है ऐसे लोगों को इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, साथ ही श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने की सभी राशि के जातकों को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। भादो महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना की जाए तो घर में धन और संपन्नता आने लगती है। जिस तरह सावन महीने में सोमवार का महत्व है उसी तरह भादो में रविवार का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु नींद से जाग जाते हैं। इस महीने में कुछ चीज़ों को खाया जाना हालांकि उचित नहीं माना जाता। यह महीना अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने को मन शुद्धि का महीना भी माना जाता है। भाद्रपद मास में कुछ नियम बनाए गए हैं। इस माह में कुछ सावधानियां भी चाहिए। मान्यता है कि भादों के महीने में दही या इससे बनी चीज़ें नहीं खानी जानी चाहिए, यानी इस महीने में दही खाया जाना पूरी तरह से वर्जित है। इस महीने में कच्ची चीज़ें भी नहीं खाई जाती। मान्यता है कि भादों के महीने में रविवार के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। भादों में गुड़ भी खाना निषेध है, इससे आपके स्वर बिगड़ सकते हैं। वहीं तिल का सेवन भी इस महीने में वर्जित है, इससे उम्र घट जाती है। इस महीने में दही खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा दिए हुए चावल भी नहीं खाने चाहिए, इससे लक्ष्मी घट जाती है। इस महीने में नारियल का तेल इस्तेमाल करने से संतान सुख में कमी आती है, इसलिए इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये महीना थोड़ा आलस भरा होता है, इसलिए आलस दूर करने के लिए दिन में एक दो बार शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए किस्म किस्म के संक्रमण फैलने का भी खतरा इस महीने में ज़्यादा रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित कर तुलसी दल को चाय या दूध में उबाल कर पीना अच्छा माना जाता है। भादो महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आता है। श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था, लिहाजा इस महीने में मक्खन का सेवन जरूर करें, इससे आपकी उम्र बढ़ती है। गाय का घी भी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इससे भी आपका शरीर पुष्ट होता है। संभव हो इस महीने में गाय का दूध का सेवन जरूर करें, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि गौमूत्र का इस्तेमाल पानी में डालकर नहाते वक्त करने से भी आपके पापों का नाश हो जाता है। आज बस इतना ही। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि सुख संपत्ति आपके घर में जरूर आए। आप देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्ते। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।